बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इस्लामिक टीवी। अगर हम पाकिस्तान से बात करते हैं तो मुख्तलिफ कंपनियों के मुख्तलिफ पैकेज होंगे। अगर हम उसकी रेशियो देखते हैं, क्योंकि इस पे हम ये नहीं बता सकते कि कौन सी कंपनी से आप लेंगे और कौन से ट्रैवल एजेंसी से आप ये पैकेज ले सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान में अगर पैकेज की बात करते हैं तो अगर आप लेना चाहते हैं जी 10 दिन का पैकेज तो 1,84,000 से लेकर 1,99,000 तक ये पैकेज चला जाएगा, जिसमें आपको मिलेंगे जी अगर आप लेते हैं अपना शेयरिंग के हिसाब से किसी भी बेडरूम में चले जाते हैं तो आपको वो पैकेज मिलेगा 1,84,500 का। अगर हम क्वाड में चले जाते हैं, ट्रिपल में चले जाते हैं या डबल बेड में चले जाते हैं तो 1,87,99 और इस तरह 1,99,000 तक ये पैकेज होंगे। अगर डबल पैकेज इकोनॉमी पैकेज की ये मैं बात कर रहा हूँ, अगर हम बात करते हैं डबल पैकेज की तो 1,90,000 से शुरू होकर 2,07,000 तक ये पैकेज मिलेंगे। और इसके अलावा अगर इसमें फासले की बात करें, जो सबसे ज़्यादा अहम मसला होता है वो होता है फासले का, कि आपको ये अगर पैकेज तो मिल रहा है लेकिन उसमें फासला कितना है, कितने मीटर दूर तक आपको ये बिल्डिंग मिलेगी। अगर 1,84,000 वाला पैकेज लेते हैं तो ये 900 मीटर जो होता है 1400 मीटर जो मक्का मकरमा में और मदीना में आपको 900 मीटर तक जो है वो ये फासला मिलेगा। अगर हम करते हैं बजट पैकेज की बात करते हैं नंबर 2 की, तो इसमें 1,90,000 से लेकर 2,07,000 तक ये पैकेज है और इसमें 500 मीटर से लेकर जो है वो 500 स्पेशल जो इसमें शटल भी आपको मिलेगी कि गाड़ी मिलेगी जो आपको छोड़ेगी और ले आएगी, और मदीना मुनव्वरा की बात करें तो 500 मीटर तक ये आपका सफर होगा। इस तरीके से जो प्लस पैकेज है 1,94,000 से 2,12,000 तक, जो कि बिल्कुल नज़दीक तीन पैकेज ही आपको मिलेगा 300 मीटर से लेकर जो है वो मक्का मुकर्रमा में और इसी तरह जो मदीना में मिलेगा वो बिल्कुल नज़दीक तीन मिलेगा। इस तरीके से मुख्तलिफ पैकेजेस हैं जो कि सऊदी अरब में उमरा के हवाले से मुख्तलिफ कंपनियों में दिए हुए हैं। इसमें से अगर हम बात करते हैं, एक पैकेज ऐसा है कि जिसे हम यूं कह सकते हैं ये सिल्वर पैकेज है, 1,90,000 का 21 दिन का पैकेज है, मक्का में 1,500 और उसके बाद शटल भी मिलेगी और मदीना में 700 मीटर तक। और एक और पैकेज है जिसे हम गोल्ड पैकेज कह सकते हैं, 2,05,000 में मक्का में 800 मीटर और मदीना में 400 मीटर एक और पैकेज। ये भी तमाम पैकेज 21 दिन के हैं। एक और पैकेज है 2,15,000 का, मक्का में 400 से 500 मीटर, मदीना में 200 मीटर, बिल्कुल सामने आपको ये पैकेज मिलेगा। 1,93,000 मदीना मुनव्वरा में 500 मीटर पे मिल सकता है और इसी तरीके से और मक्का मुकर्रमा में आपको 1,100 मीटर पे मिल सकता है। तो इस तरह आप ये समझ सकते हैं, तमाम बातें कहने का मकसद सिर्फ एक ही है कि 20 और 21 दिन का जो पैकेज है पाकिस्तान में जो लोग जाते हैं उनके लिए 1,88,000 से लेकर 2,15,000 तक ये पैकेजेस मिलेंगे। अगर आप 2,00,000 से लेकर ऊपर लेना चाहते हैं पैकेज तो उसमें फासला कम होगा। जितना आप उसमें पैसे ज़्यादा डालेंगे, यानी कि पैकेज जितना महंगा आप लेंगे आपको उतनी ज़्यादा आसानियाँ होंगी। अगर हम 2,15,000 या 2,10,000, 12,000 या 25,000 का पैकेज लेते हैं तो यूँ समझें 400 मीटर से 200 मीटर, यानी कि 400 मीटर मक्का मुकर्रमा में आपको सफर करना पड़ेगा, आपका जो होटल दूर होगा, और मदीना मुनव्वरा में आपको जो होगा वो 200 मीटर पे, बाकी सारी अकोमोडेशन उनके जुम्मे होगी, जो जितनी भी ट्रांसपोर्ट होगी, आने जाने का खर्चा होगा, ट्रांसपोर्टिंग और वहां पे होटल का खर्चा, और इसके अलावा खाना पीना जो आपका अपना होगा, इसके अलावा वीजे का खर्चा, ट्रांसपोर्ट, डायरेक्ट फ्लाइट, अकोमोडेशन, तमाम की तमाम जो होगी वो उनके जुम्मा होगी। ये आज की बड़ी अपडेट थी। इस हवाले से आपको बिल्कुल ये पता चल चुका होगा कि अगर हम उमरा पर जाना चाहते हैं तो 2,00,000 से ऊपर का लें आप उमरा पैकेज और आपके लिए आसानियाँ होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा।